राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल संस्कृत का क्लास नाइन्थ का हम हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर हाजिर जिसमें आज पढ़ने जा रहे हैं संधि बट बिफोर वी बिगिन दिस सेशन ऑफ संस्कृत आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जी ट्वेंटी वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द्वेंटी प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर सबमिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डीपली कमिटेड टू Democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions uh, for the well being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbukam or the world is one family. Uh, this is the message of uh, G20. इसी के साथ हम अपना संस्कृत का लिए लाइव इंटरेक्टिव सेशन क्लास का शुरू करते हैं संधि की आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर संगीता शर्मा है स्टूडियो में आप डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं डॉक्टर संगीता नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत बस्वागत बस्वागत है।, है।, है पिछले सत्र में हमने प्रत्यय की बात की थी प्रत्यय पढ़े थे जी तो आज संधि की बात हो रही है तो संधि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप हालांकि बच्चे जाहिर सी बात है कक्षा नौ में आए हैं पढ़कर आए होंगे कुछ तो उन्हें थोड़ा आइडिया होगा तो आज कैसे उसे एनहांस करेंगे आ, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को यह बताना चाहूंगी कि ये वो संधि नहीं है जो दो राष्ट्रों के बीच में होती है लेकिन इसका भाव वही होता है भाव क्या होता है जिसमें आप दो चीजों को जोड़ने की बात करते हैं हम लोगों ने पहले प्रत्यय पढ़ा था प्रत्यय जो था बच्चों वो था जब किसी बड़े पद को छोटा किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है और संधि वो होती है जिसमें हम दो वर्णों का मेल करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर दो वर्ण जो है वो व्यवधान रहित सामिप्य होता है व्यवधान रहित मतलब कि आ, उन दोनों वर्णों के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता व्यवधान नहीं होता या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे कि उसका संधि या उसका जुड़ाव जो है वो नहीं हो पाए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है जैसे विद्या जमा आलय तो यहाँ पर विद्या का आ और आलय का आ इन दोनों के बीच में आपको कोई व्यवधान नहीं दिख रहा होगा ये मिलकर दीर्घ आ बनता है जो कि विद्यालय शब्द बनता है यहां पर व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का जो अर्थ है वो है वर्ण विकार और वर्ण क्या होता है जैसे आ, इ, इस प्रकार से या, ये क्या होता है दो पदों या एक ही पद में जब दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य या फिर इसको हम अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो संहिता इसमें जो वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं उदाहरण मैंने आपको बता दिया हमारे बच्चे सामान्यतः जानते होंगे कि संधि उन्हें दिखती भी होगी जब वो पढ़ते होंगे वो समझते भी होंगे लेकिन संधि कितने प्रकार की तीन प्रकार की की होती होती है है संधि तीन एक होती है स्वर संधि दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि मुख्यतः इसके तीन भेद माने गए हैं स्वर संधि जो होती है वो स्वरों में होने वाली जो संधि होती है वो होती है और व्यंजन संधि वो होती है जिसमें व्यंजनों में संधि होती है और नौवीं क्लास तक सारे बच्चे जो हैं वो व्यंजन क्या है स्वर क्या है इस विषय में अच्छे से बिगे होते हैं और विसर्ग भी समझते हैं जब संस्कृत पढ़ते हैं तो आज की इस चर्चा में हम केवल और केवल स्वर संधि पर ध्यान देने वाले हैं कि स्वर संधि किस प्रकार से होती है कौन से कौन से इसमें नियम लगते हैं इन सब के बारे में जानेंगे तो स्वर संधि को देखते हुए आगे देखते हैं क्या होता है कि जब दो स्वर वर्ण अत्यंत समीप होते हैं और उसमें जब किसी प्रकार का वर्ण विकार या विकार को आप परिवर्तन समझिए जब किसी प्रकार का परिवर्तन होता है इसको हम स्वर संधि कहते हैं तो सबसे पहली स्वर संधि कौन सी होगी दीर्घ संधि होगी दीर्घ संधि वैसे हमने सामान्य प्रयोग में बहुत बार देखी होगी लेकिन ये होती क्या है इसके बाद इसका क्या प्रयोग होता है मैंने आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें हाईलाइट की हुई है जिससे कि बच्चे उसे मेमोराइज अपनी स्मृति में डाल सके तो इसका नियम ये होता है यदि ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व मतलब छोटा दीर्घ मतलब बड़ा तो जो छोटा आ और बड़ा आ तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ ह्रस्व ई या दीर्घ ई ह्रस्व उ या दीर्घ ऊ ये इनके और या फिर री इन स्वरों के पश्चात जब ह्रस्व या दीर्घ आ इ, उ या री मतलब कि सेम जब वर्ण आते हैं तो दोनों जो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट चाहे वो पहले छोटा हो या बड़ा हो वो दीर्घ ही होंगे इसीलिए इसका नाम जो है वो दीर्घ संधि है इसके लिए आप यहाँ ऊपर एक सूत्र भी देख रहे होंगे अकह सवर्ण दीर्घ अक सव सवर्ण दीर्घ मतलब कि अक के परे अगर सवर्ण होता है तो दीर्घ हो जाता है अब अक क्या है इस विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेटर ऑन बाद की कक्षाओं का विषय है अब यहां पर हाईलाइट विषय में देखिए जैसे कि यहां पर आपको अ दिख रहा है यहां पर दीर्घ अ दिख रहा है यहां पर भी दीर्घ और यहां पर ह्रस्व और मिलकर टोटल क्या बनता है आ बनता है इसी प्रकार से आप दूसरे पंक्ति में देखते हैं ई ई जो है मतलब ह्रस्व ई दीर्घ ई और अगर उसके परे उसके बाद दीर्घ ई या ह्रस्व ई हो तो वो क्या मिलकर बनाती है ह्रस्व ई ई बन, दीर्घ बनाती है उसी प्रकार से उ उ, उ उ इन दोनों प्रकार में अगर आपको ऐसा प्रयोग दिखता है तो वो भी दीर्घ बनाता है और इसी प्रकार से री होता है तो पहला री जो है वो ह्रस्व री है और दूसरा जो है री वो दीर्घ है तो इस संधि में इस स्वर संधि में बस हमें यही ध्यान रखना है कि जहां पर आ ई उ री मिलता है हमें वो उसके आगे अगर सेम वर्ण हो बिल्कुल एक जैसा वर्ण है तो हमें बिना सोचे समझे उसको दीर्घ कर देना है तो अब नियम तो हमने समझ लिया लेकिन बच्चों को यह बहुत जरूरत होगी जानने की कि इसका प्रयोग कहां होता है तो उसके प्रयोगों के लिए आप देख रहे होंगे पुस्तक जमा आलय आलय जो है वो एक पूरा शब्द है और पुस्तक जो है वो भी पूरा शब्द है पुस्तक के अंदर क है क के अंदर अ है तो क का जो अ है और आलय का जो आ है ये दोनों मिलकर बनाते हैं पुस्तकालय तो आप देख रहे होंगे क जो जो है जो पहले की छोटा का था था मतलब उसमें ह्रस्व आ था, वो आगे आप देखते हैं उदाहरण स्वरूप तो क्या हो जाता है दीर्घ आ हो जाता है तो बनता है पुस्तकालय पुस्तकालय तो हमारे सारे बच्चे जानते ही हैं लाइब्रेरी होती है इसी तरीके से आप दूसरा अगर उदाहरण देखते हैं तो देव हम जानते हैं देव क्या होता है आशीष भी हम जानते हैं अब देव तो देव के अंदर आपको दीर्घ आ तो नहीं दिख रहा है ह्रस्व आ दिख रहा है और आ जो है वो, वो दीर्घ आ है लेकिन क्योंकि ये जो संधि है ये दीर्घ ही बनाती है सामान एकदम एक जैसे वर्णों के होने पर तो देवाशीष जो है वो पूरा शब्द बनता है तो देवाशीष जी जी ऐसे ये तो हमने आ और दीर्घ आ के एग्जाम्पल देखे अगर हम कुछ और उदाहरण देखें जैसे कि हमारे पास छोटे अ के ह्रस्व के दो एग्जाम्पल है दैत्य तो दैत्यो में और, यो में आपको अ दिख रहा होगा रस्व। है आ है है ना और अरीह जो है उसमें भी आ है तो पीछे वाला जो था विद्यालय उसमें जिसमें की विद्या जमा आलय था विद्यालय में क्या हुआ जो कि जो कि ह्रस्व आ था और दीर्घ आ था वो भी दीर्घ हो गया लेकिन यहाँ पर दूसरे किस्म का एग्जाम्पल है दैत्यो में छोटा आ है और अरिह में भी छोटा आ है तो जब ये दोनों हृस्व मिले तो भी ये दीर्घी बने तो अगर आप इसके अभी तो हमने आ वाले एग्जाम्पल देखे अब जरा एक बार हम देख लेते हैं कि ई वाले एग्जाम्पल में क्या परिवर्तन आते हैं तो जैसे कि चौथा लाइन में लिखा है और इंद्र ये ये शब्द दिख रहा है तो र में ह्रस्व ई है और तो, इंद्र में भी ह्रस्व ई है लेकिन जो शब्द बना वो क्या बना तो र में ह्रस्व ई जो थी वो बड़ी हो गई तो गिरीन्द्र बन गया तो गिरिंद्र जो शब्द है अगर अब अब इसी में जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आ जाए कि आप विद्यार्थी या गिरीन्द्र या कपी शब्द जो है इनकी संधि विच्छेद कीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पे बड़ी ई की बड़ा आ का मात्रा है तो इसका मतलब है यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है अब एक और एग्जाम्पल देखिए जो कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई का एग्जाम्पल है जिसमें कपि जमा ईशह ये एग्जाम्पल है अब आप देखते हैं प के ऊपर ई है छोटी ई है ईशह जो शब्द है उसमें ई जो है वो दीर्घ ई है अब इसको जब जोड़ा गया इसकी जब संधि की गई जब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं और नियम भी कहता है कि दो एक जैसे अगर स्वर हैं तो दीर्घ संधि जो है उसके तहत यहाँ पर दीर्घ संधि हो सकती है मतलब कि जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जब भी जब भी ये शब्द इस प्रकार से आएंगे तो कपी जमा ईशह में कपीशह इस प्रकार से हुआ और दूसरा एग्जाम्पल जो है जो महिषह एग्जाम्पल है उसमें बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर तो मही में जो बड़ी की मात्रा है और ई जो है वो तो है ही दीर्घ ई तो ये तो दोनों बड़े बड़े हैं तो फिर भी वो बड़े हो गए तो जैसे कि पीछे एग्जाम्पल बताया था एक बार ऊ का और एग्जाम्पल दिखा के फिर मैं एक बार फिर से नियम जो है वो आपको दोबारा से हम उसको देखते हैं और हम इसे याद करते हैं कि, कि किस प्रकार से दीर्घ संधि होती है तो ऊ का एक एग्जाम्पल एक आप देख रहे होंगे सु, सु जमा उक्ति ही सु तो सु में छोटे ऊ की मात्रा है और उक्ति में भी छोटे ऊ की मात्रा है और लेकिन जब वो दोनों जब स्वर मिले तो कौन सा स्वर बन गया बड़ा बड़ा ऊ बन गया तो दीर्घ तो से स्वर हो स्वर जो है वो सेम होने चाहिए लेकिन अगर पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है पहला जो है लघु है दूसरा गुरु है पहला अगर ह्रस्व है दूसरा जो है वो दीर्घ है या फिर ऑपोजिट सिचुएशन हो किसी भी सिचुएशन में वो दीर्घ ही बनेगा एक बार फिर से अब हम रूल देख लेते हैं जिससे कि हमें ये बिल्कुल पक्के से समझ में आ जाए और हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार के हमारे बच्चों के दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि दीर्घ संधि होती क्या है तो दीर्घ संधि में यदि ह्रस्व या दीर्घ उ तथा री के पश्च, स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ तथा री हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि हुई हमारी आगे देखते हैं हमारे पास और कौन से कौन से स्वर संधि में और हाँ हा, हा, हाँ यहाँ पर ऋणम कर कर एक एक शब्द है, जिसमें पित्री एक शब्द है 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 जिसमें कि पिता बनता है, और ऋणम हम जानते हैं कि कर्ज लेना उधार लेना तो पिता का जो हमारे ऊपर एक कर्ज होता है हमारे पेरेंट्स का जो हमारे ऊपर जो कर्ज होता है वो जो शब्द है यहाँ पर जो दोनों र है वो बनकर वो आगे पितृणम जो बना वो दीर्घ हुआ तो इस प्रकार से ये होती है दीर्घ संधि जो की स्वर संधि के अंतर्गत आती है अब स्वर स्वर संधि के अंतर्गत और भी कुछ संधियां आती हैं उनको और आगे देखते हैं और उनको समझते हैं और उन पर चर्चा करते हैं दूसरी संधि है गुण संधि तो प्रश्न ये आता है कि गुण क्या होता है तो अब मुझे जब मैं विद्यार्थी थी तो मुझे बड़ी समस्या होती थी गुण और वृद्धि में अंतर करने में जी। तो उसके लिए मैंने एक आसान सा तरीका खोजा जो अपने बच्चों के लिए खोजा वो ये कि गुण का मतलब होता है जैसे अगर आपके पास नीला रंग है और अगर आपके पास पीला रंग है या अगर आपके पास लाल रंग है और अगर आपके पास पीला रंग है तो जब हम उसे मिलाएंगे तो कोई नया रंग निकलेगा ना जी बिल्कुल। तो इस संधि में यही होता है कि आपके पास एक कोई स्वर होता है दूसरा कोई और स्वर होता, होता है।, है और वो कोई नया स्वर, स्वर, स्वर नई संधि बना देता है तो देखते हैं क्या होता है वो कहते हैं यदि अ या आ के बाद ई या ई आए मतलब कि अ स्वर अलग है ई स्वर अलग है तो इन अलग अलग स्वरों के बाद अगर ये ऐसी आपको सिचुएशन दिखती है तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है मतलब अ प्लस ई इज इक्वल टू ए a, ऐसे यदि इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है तो इसमें एक फिक्स जो नियम रखना है वो ये है कि पहले तो रहना चाहिए अ उसके बाद अगर अ के बाद अगर आपको ई दिखाई देता है तो ए हो जाएगा और अगर उसी अ के आगे ऊ दिखाई देता है तो ओ हो जाता है तो इसी तरीके से अ या आ के बाद अब आए तो दोनों के स्थान पर आर हो जाता है ये कितना कितना सरल है तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे वो दीर्घ आ हो चाहे वो ह्रस्व आ हो अगर उसके बाद आपके पास ई आ रहा है या दीर्घ ई आ रहा है तो ए होगा और अगर उसी अ के बाद आपके पास ऊ आ रहा है तो वो ओ हो जाएगा और उसी आ के बाद अगर आपके पास री आ रहा है तो आर हो जाएगा तो ये बड़ा सामान्य है तो कुछ उदाहरणों के साथ इसको हम और पक्का कर लेते हैं ताकि हमको गुण संधि जो है स्पष्ट हो जाए और हम आगे से ना तो देखिए इसके पास हमारे पास क्या क्या उदाहरण है हम यहां पर देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है अ आ, आ जमा इज इक्वल टू ए, -ए तो हमारे पास शब्द है पहला उप जमा इंद्र तो उप में प में आ है ये तो हमारे सारे बच्चे जानते ही होंगे और इंद्र का जो है वो ह्रस्व ई है और ये जोड़कर क्या बना उपेंद्र इसी प्रकार से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सामने है देव जमा इंद्र तो क्या बना देवेंद्र अब सिंपल सी बात यह है कि उप का जो अ था और देव का जो अ था ये जो इंद्र का ई है इसके साथ इनका गुण हो गया मतलब के लाल और पीला मिलकर उसने एक नए रंग को बना दिया तो ना तो लाल की सत्ता रही ना ही पीले की सत्ता रही किसी अलग रंग की सत्ता आ गई तो ये गुण हो गया है ना गुण मतलब मिल जाना और ऐसे मिल जाना कि जो दो चीजें मिली हैं उनकी अपनी कोई जो सत्ता है वो ना रहे वो एक नई सत्ता उत्पन्न करे तो आप देखते हैं कि उपेंद्र में जो ए आया उसमें ना तो अवचा और ना ही ई रह गया।, गया तो उपेंद्र हो गया उसी प्रकार से देवेंद्र में आप देखेंगे कि ना तो देव का अ बचा और ना ही इंद्र का ई बचा नई सत्ता आ गई अब ये तो गणेशह महेशह और नरेशह तो ये सारे जो नर जमा ईशह आप एक उदाहरण देख रहे होंगे उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो चाहे ह्रस्वईकार हो चाहे दीर्घईकार हो होगा अगर अ के परे ई तो होगा एही और अगर अ के परे आ, बड़ी ई होगी तो भी ई होगा लेकिन अगर आ के परे ऊ होगा तो क्या होगा हो जो कि अभी, अभी अभी बताया था बिल्कुल ओ, ओ हो जाएगा बिल्कुल आगे देखते हैं जैसे ये जो ये है लता लता में ना बड़े आ की मात्रा है अभी तक हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो रिस्व आ के एग्जाम्पल देख रहे थे तो चाहे अ छोटा हो चाहे अ बड़ा हो और दूसरे वर्ण का चाहे ई छोटा हो ई बड़ा हो ए छोटा हो ए बड़ा हो री छोटा हो री बड़ा हो आपका होना यही है ए और ओ और अर यही परिवर्तन आएंगे गंगा इति जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें गंगा में बड़े की मात्रा है और इति में छोटी की मात्रा ए हुआ तो ई है अगर परे तो ए होगा अब इसी क्यों ना जब विच्छेद की दृष्टि से देखते हैं तो अगर आपके सामने मान लीजिए एक शब्द है लतेव तो आप ये समझिए कि लतेव मतलब लता तो हो सकता है बच्चे इतना तो समझ जाएंगे लेकिन ये संधि हुई कहां से तो जो जो ता था ना उसमें रहता था आ और जो वो जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें रहती थी ई और इन दोनों का जो संबंध बना इन दोनों का जो संयोग हुआ इन दोनों की जो संधि हुई जो कि आपकी गुण संधि के तहत आती है जो कि आपकी स्वर संधि के तहत आती है वो बना लतेव, लतेव। इस प्रकार से अब हम देखते हैं आगे जो है वो ऊ से क्या परिवर्तन आते हैं तो ऊ से अगर आप परिवर्तन देखेंगे तो भाग्य का अ और उदय का उदय का उ ये क्या बना ओ बना ओ तो इसी प्रकार से सूर्योदय बड़ा सुंदर शब्द है सूर्योदय को हम बहुत सुनते भी हैं तो कैसे इसका संधि विच्छेद हुआ सूर्य जमा उदय तो अ के पश्चात अगर ई आएगी तो बनेगा ए और अगर अ के पश्चात उ आएगा तो बनेगा ओ पर आप मुक्त हैं चाहे वो अ छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो ई छोटी हो चाहे वो ई बड़ी हो चाहे वो छोटा हो या ऊ बड़ा हो आपका ए और ओ ही बनेगा तो आपको आपके स्क्रीन पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे नरोम हितोपदेश महोत्सव गंगोदकम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर अ के पश्चात ऊ था इसलिए ओ बन गया अब एक कुछ नया एग्जाम्पल देखिए नया एग्जाम्पल है देव ऋषि देवऋषि हम बहुत सुनते हैं देवऋषि महा ऋषि इस प्रकार के शब्द हम बहुत सुनते हैं ना तो ये अ के पश्चात क्या था री था री होने से अर बन गया और अर में जो व था उसमें तो हो गया अ तो देव बन गया और जो र था वो श के ऊपर चला गया तो देव ऋषि ही बन गया इसी प्रकार से आगे के शब्द जो है वो भी बने अब ये तो हुई हमारी गुण संधि एक बार हम इसके नियम को फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को जब कभी वो पुस्तकों में संधि देखें तो स्वर संधि तो बिल्कुल पक्का हो जाए उन्हें समझ में आ जाए कि स्वर संधि है क्या आ, स्वर संधि में गुणसंधि क्या कहती है वो कहते हैं यदि अ या आ के बाद ई या ई आए दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ, उ तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है सिमिलरली अ या आ के बाद अगर रे आता है तो दोनों के स्थान पर हो एक आदेश हो जाता है तो यह बड़ा आसान हुआ दीर्घ संधि वो हुई जिसमें दीर्घ बन गया गुण संधि वो हुई जिसमें कोई तीसरी चीज आ गई अब तीसरी स्वर संधि है आपके सामने वृद्धि संधि वृद्धि संधि क्या होती है वृद्धि मतलब बढ़ा देना तो यह संधि जो है ना वो बढ़ा देती है क्या बढ़ा देती है कैसे बढ़ा देती है तो एक बार नियम पढ़ लेते हैं तो नियम कहता है यदि अ या आ के बाद ए जो कि गुण होकर हमारे पास पहले आया था अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई एकादेश हो जाता है इसी प्रकार से अगर अ या आ के बाद ओ या आउ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है मतलब कि जो हमारे पास आउटकम इसमें आ रहा है ना वो हमारे पास बड़ा हुआ वृद्धि किया हुआ आउटकम आएगा मतलब कि आपके पास चाहे छोटा ए है चाहे बड़ा ए है आपके पास छोटा ओ है चाहे बड़ा ओ है आपका जो आउटकम आना है वो आएगा आपके पास बड़ा होकर वृद्धि होकर अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है अब हमने तीन संधि देखी तीसरे के उदाहरण भी, भी, हम देखेंगे पहला जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो एक स्वर है उसके बाद सिमिलर स्वर आता है चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा तो वो दीर्घ ही होगा उसका आउटकम दीर्घ होगा इसीलिए उस संधि का नाम जो है वो दीर्घ संधि है अब हम अगर दूसरा देखें जो कि हमने पढ़ी गुण संधि उसमें होता है पहले अ और उसके बाद चाहे तो आपके पास ए हो चाहे तो आपके पास उ हो आप ई आपके पास अगर ई है और अगर आपके पास उ है तो वो आपके सामने वो बनकर ए और ओ ही आएगा लेकिन वो छोटा होगा आपके पास दीर्घ बड़ा बनकर नहीं आएगा और बड़े आई और औ के लिए आपके पास जो संधि है वो कौन सी संधि है वो संधि है वृद्धि संधि वृद्धि संधि क्या करती है कि आपके पास अ है लेकिन आपके पास ए है ऑलरेडी जो ए आपने गुण संधि में बनाया था जोड़कर किसके साथ किसके साथ जुड़ा था अ जुड़ा था उ के साथ जुड़ा था जी और दूसरा किससे जुड़ा था ई से ई से जुड़ा था तो एक एक प्रोसीजर में आपको ए मिला और ऊ वाले प्रोसीजर में आपको ओ मिला ऊ और ए आपको मिल गया लेकिन इसमें आपके पास ऑलरेडी ऊ और ओ है वृद्धि संधि में उस उस ओ और ए को आउ और आई इस प्रकार से बनता है तो एक बार से फिर से हम इसके कुछ नियम देख लेते हैं जिससे कि हमें इसके कुछ उदाहरणों से और नियम नियम से हमें वृद्धि संधि जो है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी स्क्रीन पर देखिए उदाहरण है जैसे कि मम तो यह है ममा, जमा एव तो ममा में म में आ है और एव में ए है अब आप देखते हैं कि अ के परे ए है और उसको क्या हमारे सामने आउटकम क्या आया क्या संधि हो क्या आई ममेव इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल में भी आपके पास अ है और ह्रस्व ए है हमारे पास आउटकम आया ए कई कम ऐसे ही हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कुछ और नए एग्जाम्पल्स को देखते हैं जैसे हमारे पास ये लता एव ये कुछ नया दिख रहा है इसमें हम देखते हैं कि अद्यव में तो में आ था लेकिन आउटकम तो क्योंकि ये वृद्धि संधि है तो अद्यव आया बड़ा ए आया ना लेकिन यहां पर आपके सामने लता है लता मतलब कि बड़ा आ दीर्घ आ दीर्घ आ के बाद भी अगर आपके पास ए आ गया तो यह भी वृद्धि संधि ही होगी क्योंकि गुणवाला तो पीछे था वाले में तो अ और उसकी बात हुई थी ई की बात हुई थी ना और ऊ की बात हुई थी लेकिन यहां पर तो अ और ए और ओ की बात हो रही है तो तथा एव तथैव सदैव तथा ये एग्जाम में भी ये बहुत आते हैं राहुल जी ये जो प्रश्न के इनकी संधि विच्छेद कर, कर बताइए तो ये बच्चों के लिए बड़ा आसान है ऐसे खोजना कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है बस आपको ये देखना है कि अगर कहीं पर भी बड़े औ या फिर बड़ी आ, आ, आई का आपको प्रयोग दिखाई देता है कहीं पर भी तो इसका मतलब है कि वहां पर वृद्धि संधि हुई है अगर आपको केवल दिखाई दे रहा है ए और ओ तो समझ लीजिए गुण संधि हुई है और अ अगर इनको आपको दीर्घ दिखाई दे रहे हैं बड़े दिखाई दे रहे हैं ई ये कहीं पर दीर्घ दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए दीर्घ संधि हुई है तो अब यहाँ पर हम एक और आगे का एग्जाम्पल देख रहे हैं ये अभी तक तो हमने देखे एग्जाम्पल आई के आत्म ऐक्यम आत्मक्यम ऐसा एग्जाम्पल देखा अब ओ का एग्जाम्पल देखिए <coughs> तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझ लिया यदि आपका जो है इम्तिहान बहुत अच्छा जाने वाला और परीक्षा का समय भी चल रहा है चूंकि वो भी हमें ध्यान देखना है एक मिनट का समय है डॉक्टर शर्मा आप ये समाप्त करें अच्छा ये, ये ओ वाला अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर ममा जमा औषधि है जो कि बड़ा होकर ममा बना एक और संधि जो मैं बताना चाहती थी तो मैं बस आधा मिनट लेती हूँ ये जो संधि है इसमें ई ऊ री री के स्थान पर य व र ल हो जाता है ई को य हो जाता है ऊ को हो जाता है व री को हो जाता है र और री को हो जाता है ल लेकिन इसके बाद रूल यह है कि इसके बाद कोई और असमान स्वर आना चाहिए जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए जैसे यदि जमा अप है तो यदि ई है और सामने है अ तो ई के बाद अगर अ आया तो मैंने बताया था ई को क्या हो जाएगा य हो जाएगा उसी प्रकार से अगर आपके सामने ऊ आया और उ के बाद कोई असमान नॉन सिमिलर वर्ड होगा तो व हो जाएगा इसी तरीके से इस संधि को हम बोलते हैं यण संधि तो, तो मुझे लगता है कि अगले सत्र में हम यण संधि से शुरू करेंगे और जो अब तक पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकेप करेंगे संधि दिखने में थोड़ी कठिन लग रही थी लेकिन पढ़ने के बाद बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लग रही है यही मुझे लगता है संस्कृत की सुंदरता है आ, कि वो वो जितनी सुंदर भाषा है जो जि, जि, जितनी सुंदर दिखाई देती है उतनी सरल है बस थोड़ी सी आ, लगता है कि कठिन है लेकिन है नहीं डॉक्टर शर्मा आप यहाँ तक आई आपने संधि का विषय पढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये संस्कृत का सत्र हम यही समाप्त करेंगे Uh, लेकिन इसको समाप्त करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट uh, पढ़ देता हूं जो कि मुझे आप सबके साथ साझा करना है आई यू वी आर प्राउडी एंड विल कन्वीन दी ट्वेंटी फॉर फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अशन डीपी कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरिज्म इंडिया जी ट्वेंटी वुड बी ए वॉटर शेड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एज इट सिक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग दैगमेटिक ग्लोबल सोल्यूशन for the well being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. इस उद्घोषणा के साथ मैं अपना ये आ, अपना संस्कृत का सत्र यही समाप्त करता हूँ आप अभी यूं ही जुड़े रहिए थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होते हैं वेबिनार जिसकी आप प्रतीक्षा में रहते हैं और आज हम मनाने जा रहे हैं साइबर जागरूकता दिवस तो एक महत्वपूर्ण आपके लिए वेबिनार हम लेकर आएंगे देखते रहिए ई विद्या चैनल्स मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार